अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अक्सर हम गर्मी में धूप में दरख्त की छांव तलाश करते हैं और ये किसी नेमत से कम नहीं होती। ऐसे ही ज़िंदगी की गर्मी धूप में घर की छत और अपने घर की छत किसी नेमत से कम नहीं होती। और हम सारी ज़िंदगी जिनके पास ये घर नहीं है वो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि हमारी अपनी छत हो, हमारे बच्चे अपने घर में रहें। और मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतें अनाउंस करती हैं मतवसत तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए अपने घर की स्कीम्स। ऐसे ही नून लीग ने अपना घर अपनी छत स्कीम जो अनाउंस की वो बाकायदा अब लॉन्च भी कर दी गई है कि 15 लाख रुपए तक का कर्ज़ा मिलेगा बग़ैर सूद के। उनकी शरायत क्या होंगी, आवाम इस पर क्या कहती है और 15 लाख में किस हद तक और कितना घर जो है वो आप बना सकते हैं, क्या अफोर्ड कर सकते हैं, मार्केट रियलिटीज़ क्या हैं, ये सब आपको दिखाएंगे आज हमारे साथ। नज़र, अपना घर अपनी छत स्कीम जो नून लीग की हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से पहला घरों का प्रोजेक्ट जो है उसकी बाकायदा डिटेल्स आज अनाउंस कर दी गई हैं। और वज़ीर आला ने पंजाब ने बताया है कि 1 से 10 मरले तक के प्लॉट अगर आप के पास मौजूद हैं तो आप उसके तहत इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 15 लाख रुपये तक आपको बिला सूद कर्ज़ा जो है वो फराहम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आवाम किस नज़र से देख रही है, इस पर हम बात करेंगे। मैं यही गुजारिश करूँगा कि लोगों के पास, जिन लोगों के पास प्लाट है 5 मरले का या 10 मरले का, वो इतने में घर नहीं बना सकते। हाँ जी, 2 मरले का बन जाएगा लेकिन 5-10 मरले वाले नहीं बना सकते। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा 2 मरले का बन जाएगा, एक आम आदमी, एक मतवसत तबके हमारे जैसे लोग, सबसे ज़्यादा बड़ा ख्वाब हमारी ज़िंदगी का क्या हो? ज़िंदगी का यही कि अपनी छत हो, अपना घर हो। जो हैं हमारी नस्लें जो हैं वो अपने घर में रहें। बिल्कुल ऐसे ही, जिसने प्लॉट ले लिया जमा पूंजी करके उसने कुछ ना कुछ पैसे तो बचाए होंगे। पैसे जिसके पास हैं तो वो ज़ाहिर है वो तो बना ही सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे पूरे नहीं है वो तो नहीं बना सकता। वो नहीं बना सकता, तो पैसे पूरे करने के लिए आपको लगता है ये 15 लाख की अमाउंट मैटर नहीं करेगी? पैसे जिसके पास 15 लाख कम है वो कवर कर सकता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा अमाउंट चाहिए 15 लाख से, वो तो नहीं कवर कर सकता। अच्छा, ये कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, इवन आप बैंक से भी घर के ऊपर जब कर्ज़ा लेने जाते हैं तो वो आपको पूरी कॉस्ट नहीं देते। आप जितना एलिजिबल होते हैं, आपकी सैलरी या आपकी इनकम जितनी इजाज़त देती है उस हिसाब से वो आपको पैसे देते हैं। तो आप इसको कह रहे हैं ये आटे में नमक ही सही, लेकिन अच्छा कदम है, अच्छा कदम है, अच्छा एकदम है। हाँ जी, जो बहुत वीक लोग हैं 2-2 मरले वाले उनके लिए अच्छा कदम है। सर, 2-2 मरले वाले जब महीने के 15-20 हज़ार रुपया किराया देते हैं ना तो उन्हें समझ आ जाती है। तो जब उनका अपना घर और सिर्फ 14 हज़ार रुपया किस्त महीना, 14 हज़ार महीना, हाँ। उनके लिए पैकेज अच्छा है। आपके पास प्लॉट 10 मरले का है? हाँ जी। अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें बनेगा नहीं 15 में कुछ भी, 15 में कुछ भी नहीं बनेगा। 10 मरले के लिए आपको बहुत पैसे। हाँ जी, पैसे ज़्यादा। क्या प्लान किया आपने अपना घर बनाने के लिए, किस तरह से मैनेज? बस कोशिश करो, मेरे बच्चे बाहर हैं वही भेजेंगे पैसे, इंशाल्लाह घर बन जाएगा। पैसे जोड़ जोड़ के घर बन, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया, अपना घर दे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ बताएं कि हुकूमत अपना घर अपनी छत स्कीम शुरू कर रही है जिसके तहत 15 लाख रुपए का कर्ज़ा देगी बिला सूद घर बनाने के लिए, आपको लगता है ये अच्छा है? पता नहीं, जिनको ज़रूरत होगी उनके लिए ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत? अपना घर जी जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह। आज के दौर में अपना घर होना बड़ी नेमत है जी जी। पूरी पूरी ज़िंदगी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, तो आपके ख्याल में उनके लिए ये फ़ायदा? हाँ जी, हाँ जी, होगा के लिए फ़ायदेमंद होगा जी। भाई कह रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है इसलिए मुझे पता ही नहीं है। सर, एक मौजूद जी, वालेकुम अस्सलाम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है अपना घर अपनी छत, जिसके तहत आज अनाउंस किया वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कि 15 लाख रुपये तक बिला सूद कर्ज़ा दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये लोगों को फ़ायदा देगा? जी, यकीनन देगा जी। छत जो है ना एक नेमत होती है और ये एक बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छा काम कर कौन रहा है, देखिए ना ये होता है कि आवाम के लिए कोई क्या कर रहा है। इससे बेहतर सबसे पहले होता है बंदे की कि अपनी छत हो, ये एक ब्लेसिंग होती है। अगर ये काम जो है ना ये वाकई ऐसा हो रहा है ना तो ये बहुत ही काबिल स्ताइश काम है। पहले ये वादे करते रहे लीडर, उसके बाद हुआ कोई नहीं। अगर ये कंक्रीट ये डिसीजन है ना और ये वाकई ये ऐसा ये रियल में होगा ना तो इससे अच्छा बेहतर कोई नहीं होगा। हमने माजी में देखा, जैसे आपने अभी कहा ना कि करोड़ों घर के वादे किए गए थे और फिर जो वो घर नहीं मिले
तो वही उस हुकूमत के लिए ताने भी बन गए और लोगों ने कहा कि किधर है वो करोड़ों घर, वो 50 करोड़ नौकरियां किधर। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस शख्स ने ना परफ्यूम लगाया हो ना, उसको बताना नहीं पड़ता उसने परफ्यूम लगाया, उसकी स्मेल जो है ना वो लोगों के सांसों तक पहुँच जाती है। और अगर कूड़े के ढेर को आप कमखाब की चादर से ढाँप लिया जाए ना, तो वो की इन्वायरमेंट, उसकी मक्खियाँ, उसकी जो स्मेल है ना, उसकी जो बदबू है ना, वो आपको बता देती है कि बंदा फ्रॉड है। ये सबको पता है कि कौन किस तरह अवाम के लिए कहाँ काम कर रहा है। मैं ये काबिले सताइश काम है, जो भी काम कर रहा लीडर, लैपटॉप हो गया, ये जो बच्चों को दे रहे हैं इनाम वगैरह दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। और यकीनन अल्लाह ताला की मदद भी इसमें शामिल होती है। और ये जो है ना जाली बंदे और असली बंदे में की यही शनाख्त होती है। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? तो 101% अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हमारे ऊपर रखे जो कि यकीनन एक कंक्रीट काम करते हैं, जो कि नज़र आता है कि काम हुआ हुआ है। ये बदबूदार, ये जाली वादा करने वाले, ये बंदों को जो है ना नई नस्ल को गुमराह करने वाले, उनकी अखलाक तबाह करने वाले, उनको जलील ख्वार करने वाले, ये लोगों को ना अब भी अगर एक पढ़ा लिखा अगर गलत काम करता है ना और दूसरे को तकलीद करते हैं ना, ये ज़्यादा डेंजरस बात है। इसने एक पॉइजन नौजवान के दिमाग में एक ऐसा पॉइजन इसने डाल दिया है ना कि जिसका नुकसान लॉस पूरा पाकिस्तान उठा रही है। कम से कम दिमाग से उठाना चाहिए, कंक्रीट काम होना चाहिए और फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ आवाम तक पहुँच। ट्रांसपेरेंसी की नज़र आ जाता है, मैं बताऊँ ना, अगर आपने परफ्यूम लगाया हो तो आपको बताना नहीं पड़ता, ये नज़र आएगा। और हम इसको बड़े इसको अप्रिशिएट भी कर। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई? ठीक है। अपना घर अपनी छत स्कीम शुरू हो रही है, 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा। बैंक से आप 15 लाख रुपए लेना चाहें 14,000 रुपये नहीं मिलता पर महीना। गवर्नमेंट जो है वो आपको कह रही है अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक का प्लॉट है आप अप्लाई करें, आपको वो पैसे देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। आपके ख्याल में इससे फ़ायदा होगा? अब इससे फायदे में वो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्लॉट है। हाँ, पैसा पैसे का मैंने वो फौरी प्लॉट ले लेगा क्योंकि उसको पता 15 लाख आ रहा है। और जिसके पास पैसा ही नहीं है, जैसे मैं 25,000 रुपये पे लेता हूँ, 25,000 पे लेता हूँ, अब 17,000 मेरा बिल आया, वो गवर्नमेंट फ्रॉड नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? ये देखें, मैंने अभी इसका जमा ही नहीं कराया, ये घर का बिल 17,000 आया है, घर का है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखें 17,491 रुपये बिल है, ये इससे बड़ा फ्रॉड और कौन सा है? इससे बड़ा फ्रॉड कौन सा है? एक 25,000 रुपये वाला 17,000-17,500 रुपये बिल देगा, बच्चों को वो जला दे। ये तो एक इनके ख्वाब हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे, ये ख्वाब दिखा रहे हैं, बस ख्वाब देखो और सो जाओ। और ये जो बड़े लोग हैं ये इनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं ना ये लोग 5-5 मरले का प्लाट डाल लें और 15 लाख रुपए भी देते हैं आपको, आप करें फिर तो मानते हैं इनको, फिर तो मानते हैं। और जब ये कर ही नहीं रहे, ये बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं कुछ कर रहे। अगर हम वहाँ दरख्वास्तें जमा कराते हैं हमारे जैसे, वो लाखों रुपए की दरख्वास्तें जमा हो जाएंगी, यूँ ढेर लग जाएंगे, बाद में क्या होगा, वो रद्दी के टोकर में तुल के बिकेंगी, हमारी नहीं वो जमा होंगी, वो हमारी नहीं होंगी, वो बड़े लोगों की होंगी। ठीक है, सही है। आपका पॉइंट ये है कि जी जिनके पास पैसा है वही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, जिनके पास प्लॉट नहीं है वो प्लॉट खरीद लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो अब मैं बता रहा हूँ ना, 25,000 वाले कैसे प्लॉट। अच्छा, मुझे बताएं गवर्नमेंट ऐसा क्या इकदाम करेगी जिससे आपको फायदा हो सके? गवर्नमेंट क्या ऐसा करे? गवर्नमेंट वो देखे आदमी जिनके घर नहीं है, जो किराएदार हैं उनको ढूंढे, उनको प्लॉट लेके दे, उनको 15 लाख दे। जिनका प्लॉट भी गवर्नमेंट लेके, जाहिर बात है। अब जिनकी पे नहीं है, 25,000 पे है, तो 15 लाख लेके क्या वो तो खा ही जाएंगे। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी भी होती है, आपने जैसे कहा ना पैसे वाले ले लेंगे, वो अभी उसकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन होता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, आप इसके अहल हैं भी या नहीं, तो पैसे वाले फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। फिलहाल की डिटेल्स में ट्रांसपेरेंसी तो यही आप कैसे इसमें साबित कर देंगे कि वो पैसे वाले नहीं है और या पैसे वाले हैं? बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं सही, बैंक स्टेटमेंट्स निकलती हैं आपकी, सर्वे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक मेरे मुलाजिम के नाम के पैसे ले लेते हैं, ये जाकिर साहब हैं, ये ड्राइवर हैं जी हमारे, इनके नाम का मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पैसे लिए गए कि नहीं। सारी टेक्निकें पता है आपको, सारा कुछ मैं कह नहीं समझ, मैं आपको बता रहा हूँ। 50 अच्छा ये लो, मसला ये है ड्राइवर का, एक ड्राइवर के नाम का ये वो जमा है। मसला ये है भाई कि ये जो दा लगाते हैं ना, ये जो फ्रॉड लगाते हैं, ये अवाम लगाते नहीं, अवाम अवाम अच्छा 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 अवाम अवाम में वो शामिल नहीं, वो फरिश्ते हैं।
नहीं बताया मेरे को, तो फिर आप कैसे कह रही है अवाम लगाती है? अवाम करप्शन तो अवाम भी कर, वो अवाम है, अवाम वो है, अवाम वो है, उसके बाद में हम लोग अवाम है, पहले वो है फिर हम है। वो भी इतने ही हैं यहाँ के जितने हम हैं। नहीं, नहीं है, वो इतने हैं, हम इतने हैं। सही कहा आपने, हम इतने रह गए और फिर हम नजरअंदाज। बहन जरा आगे बताना, जरूर आज रात को देखिएगा 8 बजे ये जरूर चलेगा। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अपना घर अपनी छत, 15 लाख रुपए तक का कर्जा, 14,000 रुपए महाना एक साथ पर, आवाम की राय क्या है आपके सामने? अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? जी सर, गवर्नमेंट ने अपना घर स्कीम अनाउंस की है, अपना घर अपनी छत। जी जी, एक आम आदमी का बड़ा ख्वाब होता है अपना घर। ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। किराए पे रहना जो है ना वो बड़ी मुश्किल वाली। ठीक है जी, आपको लगता है फ़ायदा होगा इससे? क्यों नहीं फायदा होगा, जिसको अपना घर मिलेगा उसका फायदा तो होगा। घर नहीं मिल रहा, कर्जा मिल रहा है। प्लॉट है आपका अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 10 मरले तक का प्लॉट, 2 मरले का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 लाख रुपए में हो जाए अगर वो मेरा, मैं घर की शक्ल में, ये दोनों शक्ल में कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं। ठीक है, 15 लाख रुपए, ठीक हो गए, महीने की किस्त 14,000। ठीक हो गए, फायदा होगा आम आदमी को? बिल्कुल होगा, आपके ख्याल में अच्छी चीज है। आप अप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लॉट है आपके पास? नहीं है तो नहीं लेंगे। प्लॉट लेके अप्लाई करेंगे? हाँ जल्दी करेंगे, फायदा तो है। फायदा है तो जल्दी करेंगे ना। अपना घर होना चाहिए, होना चाहिए है ना, सही कह रहे हैं, अपना घर होना चाहिए। आए उस तरफ चलते हैं जी, और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? गर्मी में बड़ा काम कर रहे हो तो सारे। काम करवाने आए हैं, बाइक का, बाइक कराने आए हैं और आप लोग काम कर रहे हैं गर्मी में, तो बुरा हाल हो जाता है। अंकल मुझे एक बात बताएं, आपका अपना घर है? जी अपना घर, माशाल्लाह। आजकल के दौर में बड़ी नेमत है, नेमत है, खास तौर पर जितनी महंगाई हो गई, बहुत ज्यादा है। किराया बचता है तो दिल को सुकून होता है कि किराया नहीं देना पड़ता। यस, गवर्नमेंट ने अपना घर अपनी छत स्कीम शुरू की है, और उसमें हमें कुछ दे देना, एक किराया दे दे। हम तो कंबाइन है, 4 भाई है। आपका अपना घर तो है ना? अपना है ना, वक्ती तौर पर झगड़े तो होते है ना घरों में जो कंबाइन होते हैं। तो फिर आप इससे फायदा उठा सकते हैं अगर आप अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जी प्लॉट होना चाहिए आपके पास, आप अप्लाई करें हुकूमत पे, 15 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं। आपको लगता है अच्छा होगा, फायदा अच्छा होगा? हाँ फायदा होगा, फायदा होगा अगर अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। भाई आपका क्या कहना है इस पर, अपना घर अपनी छत? अपना घर अपनी छत हो तो ठीक है, लेकिन साथ रोजगार भी हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अपना घर अपनी छत तो तब फायदा है जब हमारे पास रोजगार हो, हम काम करें लेके जाएं। रोजगार है नहीं, सिस्टम है नहीं, क्या करेंगे अपने घर अपनी छत को? लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, सिस्टम छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। सुबह से हम बैठे हुए हैं, 1 रुपये का काम नहीं किया, क्या करेंगे जब उसमें 50,000 रुपये का बिल आएगा? बिल कहाँ से देंगे? रोजगार होगा तो हम अपना घर खुद भी बना लेंगे, सबके पास ही होंगे। ये तो बिजली का इधर से काम खत्म करके जाते रात को, सामने बिल पड़ा होता है, 50,000 का बिल है, 70,000 का बिल, वो कौन देगा? कहाँ से देंगे? हमें तो गरीब आदमी कहाँ से देगा ना? रिलीफ तो गवर्नमेंट दे ना, घर तो बाद में दें, पहले रिलीफ तो दें ना। हमें बिल में कमी करें, महंगाई में कमी करें। अपने घर ये बना रहे हैं सारे, कोई दुबई बना रहा है, कोई अमेरिका बना रहा है, कोई लंदन बना रहा है, कोई पाकिस्तान में ही तो बैठे हैं ना। लेकिन देखें, गवर्नमेंट का काम होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना। अगर हम इसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखें तो आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है? मैं ज़रूरत क्या करेगी, ज़रूरत किसको मिलेगा प्लाट? किसी को भी नहीं मिलेगा प्लाट, नहीं मिल रहा। कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मिल रहे हैं, कर्जा मिल रहा है बगैर 15 लाख रुपए दे रही गवर्नमेंट, किसको मिलेंगे? कोई भी नहीं मिलेगा। जिसने देने हैं वो भी कहें पहले मुझे 5 लाख दो, कोई बैंक वाला कहेगा मुझे 2 लाख दो, फिर ये काम होगा। वैसे तो पैसे ही नहीं मिले। आपको लग रहा है करप्शन की नजर? करप्शन ही है, सब करप्शन है। करप्शन खत्म करने के पहले महंगाई कम करें, महंगाई कम होगी तो मैं करप्शन कम करूंगा। महंगाई कम हो करें ना तो फिर मैं कम करूंगा ना करप्शन। मुझे पता है मैंने रात को जाके 50,000 बिजली का बिल देना, तो मैंने तो रिश्वत लेनी ना किसी से, 30,000 तनख्वाह है मेरी, तो मैं कैसे दूंगा बिल? मैं रिश्वत लेके दूंगा ना। सही है, रोजगार के मौकों के लिए भी काम करना चाहिए। हाँ जी, काम कर, काम तो ये करना चाहिए कि फायदा देना चाहिए ना, लोगों का बिजनेस ऊपर जाए। आपके ख्याल में, आपने रोजगार की बात की थी कि रोजगार होगा तो अपना घर अपनी छत अच्छी लगती है, तो रोजगार कैसे बढ़ाएं वो आपका? क्या आपके जहन में क्या है कि क्या करना चाहिए? हमारी चीजों को सस्ता करें,
हमारे सिस्टम को सस्ता करें, जैसे हम सस्ता क्यों मांगते हैं, हम क्यों कहते हैं सब्सिडी दें हमें, हमें फ़ायदा दें, हमें रिलीफ दें, गवर्नमेंट पे करें हमारे लिए? नहीं, आपने जो रोज़गार वाली बात की थी मुझे वो अच्छी लगी कि हमारे ज़राए आमदन बढ़ाए, हमारी कमाई बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? यही बढ़ेगी ना, क्या पेट्रोल महंगा है, गाड़ियाँ रुक गई हैं, सिस्टम रुक गया है, कोई गाड़ी नहीं चलाता, कोई बाइक नहीं चलाता। अब छोटा सा पेंचर लगाना तो वो कहते हैं 400 रुपये दे दो पेंचर लगाना, 300 रुपये दे दो। कोई हम छोटे से ट्यूनिंग करते हैं उसका मोबलर ही मोबलर ट्यूनिंग में 3,000-3,000 रुपये लग जाता है। इस वजह से हर बंदा जो ना रोज़गार की वजह से परेशान है। तो ये रोज़गार बढ़ेगा तो घर भी बन जाएगा, छत भी बन जाएगी, सारा कुछ बन जाएगा। जब रोज़गार ही नहीं, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर चीज़ तो महंगी है, महंगी है। ये बात आपने सही की है, कारोबार हो गया। ये बच्चा कुछ कहना चाह रहा है कि मैं आज से 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है इस टाइम 21 साल। तो 4-5 साल पीछे चले जाए ना, काम काफ़ी ज़्यादा था हमारा, पता है, क्योंकि चीज़ें सस्ती थी। इस टाइम जिनकी 30,000 सैलरी है वो बाइक पे 5-10,000 कहाँ से लगाए? वो कहते हैं कि घर का राशन डल जाए, बिजली का बिल हो जाए। इसी करके ये हम यही कह रहे हैं कि ये महंगाई कम होगी ना तो इंशाल्लाह ये है कि काम भी बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र हो जाएगा। ये सेंसेबल बात की है इन्होंने, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपके? सर, हम डिस्कस कर रहे हैं, आज मरियम साहिबा ने 15 लाख रुपया अनाउंस किया अपना घर अपनी छत पे। बेटा सब फ्रॉड है, झूठ है। क्यों? वो मरियम फ्रॉड है तो 15 लाख 15 रुपए नहीं दे सकते। बेटा बात इसलिए ये झूठ है कि अपने इंतजार की खातिर जैसे कारोबारी आदमी चमक लाइट लगाता है कि रुझान करता है कि मेरे तरफ आओ, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट लिए हैं कि मेरे घर हो सकता है कि घर में भूखे बैठे हों तो मैं इधर खाना खाता रहूं। नहीं, इतना बोझ हमारे पे पड़ा ही नहीं था, इन लोगों ने हमें मार दिया। मैं हमारे मुल्क का कोई पुरसाने हाल बताओ कि हमारे मुल्क में चीफ साहब जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं गौर कर रहे, वो हाफ़िज़ कुरान है, वो भी अवाम गरीब अवाम पर गौर नहीं कर रहे। और इन्होंने क्या करना, ये तो तीन चार चार दफ़ा आ चुकी, तीन चार दफ़ा महंगाई ने वाकई अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, बिजली के बिल, खाने पीने की चीजें। मैं हाजिर करके कहता हूँ कि मैंने जैसे बिल जमा कराए हैं, मैं रेंट पे रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, आप मेरा डाटा निकलवा सकते हैं। सारा ये फ्रॉड हुकूमत है सारी, इनके अंदर कोई इंसानियत वाला, कोई कलमा गो, कोई किसी किस्म का मुसलमानियत इनके अंदर है ही नहीं। अगर हो तो सिर्फ अपने तक महदूद किया हुआ इन लोगों ने, अपने महल देखें, अपनी बिजलियां देखें। इनको वो फिक्र है कि एक गरीब आदमी रोटी नहीं खा रहा, वो कहते हैं हम तो मलाई बोटी खा रहे हैं, हम तो तिक्का बोटी खा रहे हैं। कोई ऐसा है शख्स कि वो झोंपड़ी वाले को भी देखे, अपने से नीचे भी देखे? हाँ, बेचारे लोग तो बड़े परेशान हैं। अंकल सही कह रहे हैं जी, महंगाई के अंदर हम इतना पेस चुके हैं कि फिर अपना घर अपनी छत स्कीम जैसी लग्जरी लगती है और लगता है कि ये कुछ नहीं होगा जब हमारे घरों में खाने को कुछ नहीं होगा। अभी मिसाल दे रहे थे, उन्होंने दोपहर का खाना ही नहीं खाया कि पैसे बचा के घर लेके जाऊंगा। सर, आप कुछ कह रहे थे? ये तो अब मरियम की फेवर के लिए निकली है तो फिर उसका इंटरव्यू करें। फेवर के लिए निकली है? ऐसे मैं बात नहीं, मैं किसी की फेवर के लिए नहीं निकली। अब मेरा जवाब सुन लें ना, आपने सवाल पूछा ना, मैं मरियम की फेवर करने आई हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ की फेवर करने आई हूँ, ना मैं इमरान खान की फेवर करने आई हूँ, ना मैं जरदारी साहब की फेवर करने आई हूँ। मैं आवाम के लिए निकलती हूँ। आवाम की जो राय हुक्मरानों तक नहीं पहुँच पाती, आवाम के वो हालात जो ख़ुद वो यहाँ आकर नहीं देख सकते, मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनको दिखाती हूँ कि कहीं एहसास शायद जाग जाए कि हमारे आवाम किस हाल में जी रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्या हाल है? बेटे, मैं चोरी करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है आपके बच्चों को देने की? गुनाह भी करूँ आप लोगों के लिए करूँ तो वो तो चोरियाँ करते हैं दादा से ले कर परदादे तक, वो किसी को क्या देंगे? ये टोटल फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है, उसके दादा से लेके ये वाली नस्ल तक। तो आपके ख्याल में मुल्क का सिस्टम नहीं सही चल रहा? चल ही नहीं सकता, ये लोग चलाएंगे। कौन चलाएगा? वो अल्लाह का बंदा आएगा जिसको अंदर दिया हुआ इन्होंने। सर, उसके दौर में उसको बड़ी चांस मिला, इमरान खान की बात कर रहे हैं आप, उनके दौर में भी बड़ी परेशानियाँ हो गई थी एकदम से, यही आवाम मेरे प्रोग्राम में रोती थी, इसलिए होगी थी, ठीक है। तो मैं पढ़ता था इनके जहन में, वो इसलिए परेशान थे, वो जो पर्दा था ना अभी वो उतर गया, अभी नून लीग वाले भी रो रहे हैं। तो ये देखो ना, ये नून लीग वाला कट्टर ये लोगों के दरवाजे तोड़ देता है। आज महंगाई से वो भी परेशान नहीं दुनिया में
दुनिया में बड़ी महंगाई है सर, आप किसी भी मुल्क में चले जाइए। ये तो आपको हौसला देने वाली बात है कि दुनिया में महंगाई है। किधर है दुनिया में महंगाई, किधर है दुनिया में महंगाई? दुनिया में जाकर देखें सर, गुजारे वहाँ पे भी बड़े। उतने का ये जितने का था, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, महंगाई कैसे होगी? वो तो बोतल आज भी उधर इतने की है जितने 10 साल पहले थी, महंगाई कैसे होगी? हमारा कुछ नहीं बचा। क्या, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपके पास सजेशन क्या है? हल निकालते हैं ना मसले का। मेरे पास है हाँ। वो दरवाजा खोले असेंबली हॉल का और सारे बंदे बुलाएं और मुझे गन दे दे। नहीं ऐसे ना करें अंकल, क्यों ऐसे ही होगा? इतनी नेगेटिव बातें ना करें, अल्लाह पे भरोसा है। ऐसे ही होगा, अल्लाह ऐसे ही करवाएगा किसी बंदे से। ऐसे इतनी बुरी बात नहीं करते आप। कैसे बुरी बात है? बुरी बात है किसी को मार देना, किसी को भी। वो हमें सारे मार दे, सोच रखना। वो 25 करोड़ आवाम को मार दे, हम 200 बंदा नहीं मार सकते। इतनी वो 25 करोड़ आवाम को मारते हैं अंकल, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना हम, कि हमारे मुल्क पर कायम करें, बस ये करें। वो तो हम कर रहे हैं, ये देखा ना, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, हमारे मुल्क पर रहम करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, पीटीआई शेर आए, भुट्टो आए, जो भी आए ना, इसके बेहतरी के लिए आए। ये नहीं हम कहते कि वो जो भी आए बेहतरी के लिए, ये बात हर चीज सस्ती चाहिए। 75 साल से कह रहे हैं, अपनी जानिबदारी में आप अपने मुल्क के लिए और अपने लिए बुरा ना सोचें, बस मेरी ये समझे नहीं हो। मैं समझ गई, हम 75 साल से यही कह रहे हैं कि ये आवाम, ये बंदे ठीक हो जाएंगे, ये बंदे ठीक हो जाएंगे। अभी तक हम 70 साल से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां पाकिस्तान को तरक्की दे। मैं तो ये दुआ, तो अल्लाह ने आगे से जवाब दिया, कभी किसी मार दो, मैंने कभी दुआ करते हो उन्हीं से उसी ने कहा मुझे। चलें आपकी सोच है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटी होने के नाते कि इतना नेगेटिव ना सोचें अपने लिए। अल्लाह ताला को मायूसी पसंद नहीं है। ये, हाँ, ये उनको सोचना चाहिए कि वहां जहां तक आ गई है सर, उन्होंने इससे आगे ना जाने दें। हाँ, उनके तो लिए मैंने अल्लाह इनको हिदायत दे जी, मैं मारने जा रहा हूं। सोचे बिना ना, मैंने अपने माइंड की बात की है। मैं यही कह रही हूँ सिर्फ, कि सोचे बिना ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये दुआ कर लें। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, ये दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे इन लोगों से, ये कहते हैं उनके लिए ठीक है। चले अल्लाह ने कोई ऐसा बंदा हुक्मरानी में ले आए जो हमारे लिए बेहतर है। ये सबसे प्यारी दुआ है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अपना घर अपनी छत स्कीम पर आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का सर, खड़े हो जाएंगे तो ज़रा अच्छे से बात हो जाएगी, बड़ी मेहरबानी भी होगी आपकी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब हुकूमत ने, हर हुकूमत ही अनाउंस करती है वैसे, हमने देखा पीटीआई के दौर में भी अनाउंस हुआ, उससे पहले पैसे भी लिए हैं, बैंक में जमा भी हुए हैं पैसे, उससे पहले भी आए थे उन्होंने बैंक में पैसे लिए थे, लेकिन जब वो चले जाते हैं कोई पता ही नहीं होता उनका, फिर उसका कुछ बनता नहीं, पता ही नहीं है। अब दोबारा खाने वाले खा के ले जाते हैं, हम इंतजार में खड़े रहते हैं। तो ये जो अपना घर अपनी छत स्कीम है, इससे भी आपको अल्लाह करे इन पे, इस पे अमल हो, अपना घर अपनी छत, इस पर अमल होना चाहिए, फिर तो गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। अगर ये ना करेंगे, कुछ ना करें, तो ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा। अच्छा, 7 साल के लिए वैसे उन्होंने स्कीम अनाउंस की, अभी मजीद डिटेल्स आनी है जी, लेकिन 15 लाख रुपए तक कर्जा दे रहे हैं अगर आपके पास प्लॉट है कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए। प्लॉट घर रेंट का, तो प्लॉट कहाँ से लेना, ये तो बड़ी मुश्किल में है, समझते। वो अपने प्लाट दें, अपने मकान बना के दें, तो फिर और फिर किस्तें लेते रहे, लेते रहे। ये क्यों नहीं सोचा वैसे इन्होंने? ये तो ये एक मदद के तौर पर तो जरूर हो सकता है कि जिसके पास पहले से प्लॉट है या जिसने जमा पूंजी थोड़ी सी रखी है, उनका हो गया, वो तो हो गया। तो जो बिल्कुल गरीब है, लो तबका है, जिसके पास रेंट का घर है, वो प्लॉट कहाँ से लेगा और कहाँ से करेगा, वो तो फायदा नहीं उठा सकेगा, कोई फायदा नहीं। उसके लिए अलग से एक स्कीम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये अच्छी सजेशन है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का एहसान। अपना घर अपनी छत कितनी बड़ी नेमत है, पहले तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अपने पास तो ना 28 साल से घर है ना छत है, किराए पे रहते हैं। हाँ जी, और सारी जिंदगी हम ये ख्वाब देखते हैं कि अपना घर होना चाहिए, बस यही हसरत है। अगर जब आखिरी सांस अपनी छत के नीचे गुजार दे तो अल्लाह पाक उधर से चना तो उठे। तो आपको लगता है गवर्नमेंट की ये जो स्कीम्स होती हैं, जो आज अभी अनाउंस की मरियम साहिबा ने भी, कि 15 लाख रुपए तक का कर्जा देंगे बगैर सूद के, 14,000 किस्त बनेगी, आपके पास अगर प्लॉट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं,
अगर जब कर्जा देने से पहले बंदे की डेथ होगी तो कर्जा तो नबियों को भी माफ़ नहीं है। ये भी तो बीच में है ना बात, वो तो शिकें आएंगी ना बीच में, डिटेल आएंगी कि किस कौन देगा किस तरह से। अब ये जो बात कहने का मकसद ये है कि भाई अगले भी के भी कानों में ये बात जाएगी ना, क्योंकि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी सोचेंगे कि इसको ऐड करें उस शरायत में कि अगर कोई पता क्या किसी की डेथ हो जाती है तो फिर कर्जा कौन देगा किस तरह से देगा। मेरे ना तो कोई बेटा भी दे दे कर्जा, बच्चियाँ छः ठीक है, और वो मेरा कारोबार है ये जो गाड़ियों के वेपर हैं, इसमें अपना हल्का फुल्का अल्लाह पाक का करम है कि गुजारा कर रहे हैं ठीक है। बच्चियाँ मेरी छः, घर अपना नहीं है 28 साल से, तो कपड़े भी सही सलामत नहीं होते हमारे तो भाई। तो प्लॉट अपने पास होना तो फिर बहुत दूर की बात है ना, तो इसका मतलब आपको वही वाली बात हो गई जो अंकल ने की थी कि ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए भी एक अलग से प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें प्लॉट घर सब कुछ शामिल हो। एक किसी खातून ने बात की थी, ये मरियम साहब घर घर जाकर तहकीकात करती है कोई भूखा तो नहीं कोई तंग तो नहीं, तो एक खातून ने कहा था ये तो हजरत उमर फारूक वाली बात है, अल्लाह पाक को ऐसा ही बना दे हर मुसलमान को और अल्लाह पाक सबको सबक दे इस बात का। अगर भाई ये जो हमारे वोटों से बने ये अफसर बने बैठे, हमारी मजदूरी से ये खा पी रहे हैं और हम दर बदर फिर रहे हैं, कोई एहसास करने वाला हुक्मरान आ जाए जो देखे कि उसके पूरे आवाम में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खड़े हो जाएंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप, काफ़ी देर से खड़े थे यहाँ साथ। हाँ कहना बस यही जो भाई ने कह दिया वही कहना था कि जो प्लाट ही अपना नहीं तो घर कैसे बनाएंगे, 30-32 साल से किराए पर ही रुल रहे हैं, किराया ही दे रहे हैं। कितना किराया देते हैं? 10,000 रुपया किराया और 15,000 रुपया बिल आ जाता है रेंट से, यहीं पे पूरी पैसे तो यहीं पूरे हो जाते हैं। काम मेरा भी यही वेपरों का ही करता हूँ, ये भी आप कर पहले किसी दुकान पे जॉब करता था उसने जवाब दे दिया कि भाई ने वेपरों का काम सिखा दिया है, यही कर रहे हैं कि 500-700-800 कमाते हैं रोटी खा के सो जाते हैं, इतना किया। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और बात इनकी बिल्कुल ठीक है, ये वो तबका है जिसने रोज़ का 500-600 कमाना है और घर जाकर रहना है और फिर किराया देना है और किराए के साथ बिल देना है, तो प्लॉट अपना होना या अपना घर होना तो इनके लिए वो ख्वाब है जो शायद ये देखते ही नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहरहाल इनिशिएटिव जो लिया गया है कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आपको कर्ज़ा मिलेगा और बग़ैर सूद के मिलेगा, पहले 3 माह आपने एक साथ नहीं देनी है और फिर अगले 3 माह के बाद से आपकी किस्तें जो हैं वो कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 और फिर जितना आपने कर्ज़ा लिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपसे वसूल किया जाएगा 7 साल, उसका पूरा एक प्लान जो है वो अभी सामने आना है। लेकिन इन 15 लाख में कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना काम हो सकता है घर की कंस्ट्रक्शन का? हम 5 मरले 6 मरले 10 मरले की बात नहीं करते, हम छोटे घरों की बात करते हैं, हम 2 मरले 2.5 मरले की बात करते हैं कि अगर उस पर कंस्ट्रक्शन की लागत का जिक्र किया जाए और देखा जाए कि फिनिशिंग तक कितना खर्चा आएगा, क्या वाकई में लोग जिनके पास 2-2.5 मरले के प्लॉट हैं अपना घर बना सकेंगे इन 15 लाख में या नहीं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आए मेरे साथ ब्रेक के बाद, आपको वहाँ से ज्वाइन करेंगे। ने जो आज अनाउंसमेंट की है अपना घर अपनी स्कीम जिसके तहत 15 लाख रुपए का कर्ज़ा बिला सूद आपको मिलेगा, मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि हम बहुत लग्जूरियस एरिया में नहीं गए, हम पोश एरिया में नहीं गए, हम एक बहुत नॉर्मल एरिया में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है अपना घर बनाने की, अपनी छत होने की, लोग किराए पर रहते हैं और लोगों के पास मिनिमम पैसे भी आ जाएँ तो वो गुजारा करने के लिए तैयार होते हैं कि बस अपनी छत हमें मिल जाए। तो मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 2.5 मरले का ये एरिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो घर हैं वो बनाए जा रहे हैं 2.5-2.5 मरले के, तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, 10 मरले पर नहीं जा रहे, हम 5 मरले पर नहीं जा रहे, हमने 2.5 मरले के एरिया को सिलेक्ट किया है। अब आपको पूरी कैलकुलेशंस बताते हैं कि 15 लाख में आप अगर आपके पास 2.5 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है, तो आप कितनी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं और क्या हो सकता है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ उसका नक्शा कुछ इस तरह से बना है कि 2 घर हैं, 2 कमरे हैं यहाँ पर,
एक छोटा सा लाउंज टाइप एरिया है और उसके बाद एक वॉशरूम है। लाउंज टाइप एरिया को आप सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, कॉमन एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर बन जाएगा किचन, ये पूरे का पूरा किचन, और ये पूरा एक ओपन स्पेस जहाँ उन्होंने स्टेयर्स दे दी हैं कि जब फर्दर आप ऊपर वाली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऊपर वाला फ्लोर बनाएंगे तो उसके लिए ये यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल सिंगल स्टोरी घर जिसमें एक वॉशरूम, दो कमरे, एक छोटी फैमिली के लिए अपनी छत वाली नेमत जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इस पर कॉस्ट कितनी आती है कि क्या ये बेसिक फिनिशिंग तक घर 15 लाख रुपए में मुकम्मल हो सकता है या नहीं, कितने पैसे आपको ख़ुद से अपने ऐड करने पड़ेंगे कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से प्लॉट ले लिया और लेके रख दिया कि जब पैसे आएंगे तब घर बना लेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा करके वो जोड़ते रहते हैं, कमेटियाँ डालते हैं आपस में पैसे बजट में से निकाल कर, क्योंकि अपने घर की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। और लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी ये ख्वाब देखते हैं कि हमारा अपना घर, किराए के घर से जान छूटे और हम एक छोटे से घर में ही सही लेकिन अपने घर में रह सकें। तो 15 लाख में उनको और कितनी सपोर्ट अपनी ऐड करनी पड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हैं जो ये तमाम घर तामीर करा रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे देखिए कि मैं एक घर में थी लेकिन यहाँ पर कई जो ढाई ढाई मरले के प्लॉट हैं उनकी कटिंग्स के साथ यहाँ पर घर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हैं, जो ये पूरा जिनका ये प्रोजेक्ट है जो इसको लेकर चल रहे हैं, उनसे हम कॉस्ट जो है वो इवेल्युएट कराएं और इस पर बात करें कि ढाई मरले के घर पर कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आएगा और क्या 15 लाख एक आम आदमी के लिए जिसके पास 2.5-3-5 मरले का प्लॉट है उसके लिए वो मददगार साबित होगा या नहीं होगा। यहाँ पर मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर इधर आ जाइए। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इधर मोहम्मद जानुल आबू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मियां जैन। जैन साहब कब से ये आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इसके अलावा? इसके अलावा भी किए हुए हैं दो। यहाँ कितने घर बन रहे हैं? यहाँ पर घर बन रहे हैं 6 और 5 11 घर बन रहे हैं। 2.5-2.5 मरले की ये कटिंग है जी? ये 2.5-2.5 मरले की। सिंगल स्टोरी है? सिंगल स्टोरी है। दो कमरे, एक किचन, एक बाथ और सिटिंग एरिया जी। कितनी कॉस्ट आती है अगर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करें कि 2.5 मरले के घर के लिए सिंगल स्टोरी के लिए कितनी ईंटें लगती हैं? 2.5 मरले के लिए 15,000 ईंट है इसकी, ठीक है, और 80 बोरियां सीमेंट की हैं और कोई 3 से 4.5 लाख रुपया जो वो लेबर का बन जाता है जिसने प्लस्टर वगैरह करना है। अच्छा। और स्टेशनरी वगैरह और इलेक्ट्रिक का काम डाल के तो 1.5 लाख रुपया वो है। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट अगर आप निकालें, ये मुझे पेन और पेपर दीजिएगा, मैं चाह रही हूँ कि हम ये पूरी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर निकालें और इसके ऊपर लिखें। तो आपने जो ईंटें बताई हैं जी वो कितनी है? ईंट है क्या नाम है 17,000। और उसकी कॉस्ट कितनी आती है अंदाजन? ये तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 70 बोरी इन्होंने बताया कि 2.5 मरले के प्लॉट के लिए अगर आप घर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो सीमेंट की लगेगी, इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और पूरा सैनिटरी का काम सारा कुछ डालकर आपने कहा कि 1.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट जो है वो उसकी आएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर मजदूर और मिस्त्री जो हैं उनकी दिहाड़ी और मजदूरी जी, वो ये सारा डाल के 4 लाख रुपया उनका, 4 लाख रुपया उनका ऐड ऑन किया। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या खर्चे आते हैं घर बनाने के लिए? इसके अलावा नक्शा पास करवाना होता है, पानी पास करवाना होता है, बिजली का कनेक्शन करवा के देना है, और जब गैस खुलेंगे फिर गैस के भी कनेक्शन वगैरह तो करवा के लिए कितनी कॉस्ट लगती है अंदाजन एवरेज की बात कर रहे हैं हम? पानी का लगा लें 20,000 रुपया लग जाता है पानी का, और 20 से 25,000 रुपये मीटर का, बिजली मीटर का लग जाता है अगर आप अर्जेंट लगवाएंगे कुछ। ठीक है, तो गैस के मीटर का डिमांड नोटिस जमा करवा के खर्चा वगैरह डाल के आप लगा लें कोई 50,000 रुपया। ठीक है, और जो छत पे गार्डर डलते हैं, सरिये डलते हैं, उसकी कॉस्ट? तो 235 रुपये के जी सरिया, और ये आपका बनेगा 2.5 मरले की बात कर रहे हैं, 235 रुपये, ये तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपये का सरिया डल रहा है। 1.5 लाख रुपये का सरिया, और जो उसके अंदर टाइलें डलती हैं पूरी छत की कंस्ट्रक्शन में, पूरी ओवरऑल छत तैयार छत की कॉस्ट अगर हम निकालें तो वो कितनी निकलेगी? वो 2.5 मरले की निकलती है 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये, तो 3.5 लाख रुपये जो है वो छत की कॉस्ट जी। ठीक है, तो टोटल जो है अगर आपके एस्टिमेट के मुताबिक, क्योंकि आप बना भी रहे हैं जी, जिसमें दरवाजे भी शामिल कर लीजिए,
ये दरवाजों के गार्डर भी शामिल कर लीजिए, सब कुछ ऐड ऑन कर लीजिए। ढाई मरले टोटल खर्चा डाल के जो है ना ये बनता है कोई 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए में आप ढाई मरले का घर जो है फिनिशिंग तक, हाँ जी फिनिशिंग तक सब कुछ ऐड, सब कुछ मुकम्मल करवा, बिजली गैस सारा कुछ, सारा कुछ ऐड होगा तो सारा कुछ, पत्थर लगवा के फ्रंट पे टाइल लगवा के। तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट 15 लाख रुपए का कर्जा दे रही है, बिला सूद कर्जा दे रही है, पहले 3 महीने आपको कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी और फिर आपका 14,000 किस्त, ये बहुत वारे में आएगा लोगों के। नहीं क्यों, 5 मरले का कर्जा 15 लाख रुपए में वो कुछ भी नहीं कर सकते, 2.5 मरले का कहना 18 लाख रुपए में। नहीं, 5 मरले जरूरी नहीं है, आपका 2.5 मरले का प्लॉट भी हो सकता है, आपका 2 मरले का प्लॉट भी हो सकता है। तो जिनके पास अगर 2.5 मरले का प्लॉट है उनके लिए बेहतर है वो, और जिनके पास 5 मरले का प्लॉट है उन्होंने अपनी भी कुछ जमा पूंजी रखी हो तो उसमें 15 लाख रुपया कुछ तो एडिशन करेगा ना, फिर बेहतर होगा उसमें। और ये हम सिंगल स्टोरी घर की बात कर, जी सिंगल स्टोरी घर का, और उसके बाद जब आपके पास मजीद पैसे आते हैं तो आप उसको एक्सटेंड कर, जी कर सकते। आजकल के दौर में लोगों का सबसे बड़ा ख्वाब अपना घर बनाना, अपना घर बनाना है, कि जो लोग किराए पर रहते हैं वो सारी जिंदगी ये ख्वाब देखते रहते ऐसे ही है कि अपना घर होना चाहिए, अपना घर बनाना। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम शुरू करती हैं, मैं सिर्फ नून लीग की हुकूमत की बात नहीं करूँगी, पीटीआई के दौर में भी और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उससे लोगों को फायदा होता है, होता है, होता है जी। तो आपको लगता है कि ये अगर 15 लाख ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से, मुस्तहिक और ऐसे लोग जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे, फायदा पहुंचाएगा, फायदा पहुंचेगा। ठीक है भाई ने हमें कॉस्ट दे दी है जी 18 लाख रुपए 2.5 मरले के प्लॉट के लिए, और तमाम कैलकुलेशंस हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको बाकायदा इनकी दुकानों पर भी लेके जाऊंगी ताकि हम ये ईंटों और सीमेंट की तमाम चीज़ों का हाल चेक करें। अब ये वाला घर भी आप देख लें जी, ये 2 मरले का घर है, ये 2.5 मरले का नहीं है, ये 2 मरले का जगह से जो है वो कम पड़ रही है, और ये तकरीबन भाई मुझे पीछे से बता रहे हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो 15 लाख रुपए में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि एक किचन है, एक कमरा है, एक बाथरूम है, और उसके बाद यहाँ जो है वो एक एरिया छोड़ दिया गया है सेटिंग के लिए। तो बड़ा घर हो या छोटा घर हो ये उससे पूछिए जिसके पास घर नहीं होता। आए आपको एक और दिखाते हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भाई ने कहा कि 11 जो हैं वो 2 और 2.5 मरले के घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और घर जो है वो तामीर किया जा रहा है और उसकी प्रॉबेबली छत डाली जा रही है, लेकिन इसके अंदर सीढ़ियाँ भी बन चुकी हैं। तो आ जाए मेरे साथ अंदर, ये 2 मरले का घर है जी, और 2 मरले के घर में सबसे पहले आपको कमरा दिखाते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा स्पेशियस, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत छोटा भी नहीं ये कमरा है, जहाँ उन्होंने एक रोशनदान रखा हुआ है हवा के लिए कमरे के अंदर। ये एक अच्छा आइडिया जो है वो लोगों को मिल जाता है छोटे घरों के लिए। ये पूरा उनका कमरा हो गया। इस 2 मरले के घर में एक ही कमरा है, क्योंकि 2.5 मरले के घर में हमने देखा उन्होंने 2 कमरे, एक किचन और एक बाथ बनाया हुआ है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो प्रॉब्ली किचन का एरिया जो है वो छोड़ा गया है, बिल्कुल छोटा सा एक कॉर्नर है, और उसके बाद एक और छोटा सा कमरा जो है 2 कमरे बनाए हुए हैं, ड्राइंग रूम कह लीजिए इसको, आप सिटिंग एरिया कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम बनाया जाएगा और उसके साथ ये एक छोटा सा रूम जो है वो सिटिंग रूम बन सकता है, और यहाँ से स्टेयर्स भी ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब कि इन फ्यूचर जब लोगों ने ऊपर साइड की कंस्ट्रक्शन करनी है या छत के लिए एक्सेस लेनी है तो उसी 2 मरले से उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता भी निकाला हुआ है। तो अगर सारी ज़िंदगी किराए पर रहने के बाद आपको कोई ऑप्शन दे कि आपने अपनी जमा पूंजी से जो 2.5-3.5 मरले का प्लॉट लिया हुआ है और आपके पास पैसे नहीं आ रहे कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें, तो इनिशियली जब गवर्नमेंट अगर आपको ये कर्ज़ा दे दे और आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको ये 15 लाख रुपये तक कर्ज़ा दे रहे हैं ना, तो आपको अगर ये 15 लाख रुपया मिल जाए जिस पर आपने 14,000 रुपया किस्त देनी है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जो सही लोग हैं एलिजिबल इसके लिए उनको किस तरह से ये मिलेगा, क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या कहीं सिस्टम में ही गुम नहीं जाएंगी ये बातें, और जो लोग असल में इस खबर को सुनकर पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, इस खबर को सुनकर बेहतर फील करना चाहते हैं कि चलें जी हुकूमत कुछ तो कर रही है अपने घर और अपनी छत के लिए, हमारे लिए कुछ मदद और हमारे लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जिससे आम लोगों का, जिससे मतवस्त तबके का भला होगा, अगर उन तक ये पहुँचेगा तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नहीं पहुँचेगा तो ये बागी के माजी के मनसूबों की तरह सिर्फ अखबार में, टीवी शोज़ में डिस्कस होकर कहीं गुम ना हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जितने लोग एलिजिबल होंगे, जितने लोगों को ज़रूरत होगी, जितने लोगों को
असल जो मुस्तहिक हैं इस प्रोजेक्ट में अपना जो है वो अप्लाई करने के लिए और उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कर्ज़ा मिल जाए तो फिर इससे बड़ा फ़ायदा जो है वो कोई नहीं होगा। बहरहाल जी, लेट्स सी आगे आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं मज़ीद तजावीज़ और मज़ीद चीज़ें और किस तरह से जो है वो इस पूरे प्रोसेस को आगे लेकर जाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।